हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पेनम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनाऊंगी जो कि बिल्कुल एक चम्मच तेल में बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाता है। क्योंकि इस बीच में कई दिनों तक मैंने ऑयली नाश्ता बनाया जिसको खाने के बाद ना मन ही नहीं कर रहा था कि ऑयली नाश्ता कुछ खाया जाए, तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊँ जो हेल्दी भी हो और कम तेल का भी हो। तो इसके लिए कुछ मैं सब्जियों को इस तरह से बारीक बारीक काट करके तैयार कर लूँगी ताकि इस नाश्ते को मैं आसानी से और हेल्दी तरीके से बना सकूँ। क्योंकि इसमें जितनी ज़्यादा सब्जियाँ हम ऐड करेंगे ये हमारे नाश्ते की रेसिपी उतने ज़्यादा हेल्दी बनेगी और इस नाश्ते को तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मिक्सिंग जार में जो है एक कप सूजी लिए हैं, इसमें हम डाल देंगे एक चौथाई कप दही। दही हमारी जो है ज़्यादा खट्टी नहीं है और इसमें एक चम्मच डालेंगे तेल। उसके बाद में जितना हम दही लिए हैं उतना ही इसमें पानी ऐड कर देंगे, तो मैं उसी कटोरी से पानी डाल दी हूँ। अब इसको हम जो है ब्लेंड करके देखिए इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लिए हैं। तो हमें सेम ऐसे ही इसका पेस्ट रखना है क्योंकि अभी सूजी जो है फूलेगी तो थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको एक हम मिक्सिंग बाउल में जो है ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसमें जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसी में डाल देंगे क्योंकि जार में भी थोड़ा सा इस सूजी का पेस्ट लगा हुआ था। अब इसमें हम थोड़ा 2 चम्मच बेसन डाल दिए हैं। अगर आपका मन हो बेसन डालने तो आप डालिए, अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप बिना बेसन के भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच बेसन का यूज किया है। और इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स क्योंकि जो बेसन है ना उसको मिक्स करते हैं तो उसमें लम्स पड़ने लगते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे कि इसमें लम्स ना रहें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये पेस्ट तैयार हो गया, इसे ढक करके रख देंगे रेस्ट के लिए। और तब तक इधर हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ गैस पर हम एक पैन रख दिए हैं और क्या करेंगे जब हमारा पैन गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं इसे बहुत हेल्दी तरीके से और सिर्फ 1 चम्मच तेल में बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 चम्मच तेल का ही यूज किया है। तो तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें हम राई डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच राई का यूज कर रही हूँ। आप राई और जीरा दोनों डाल सकते हैं, राई नहीं है तो आप केवल जीरा भी डाल सकते हैं। तो ये जो राई है अच्छे से तड़क गए तो इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे जो पहले से काट करके रखे हुए थे और इसे हल्का सा सॉल्ट करेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम प्याज और प्याज को डालने के बाद भी इसे हम हल्का सा सॉल्ट करेंगे। हमें ज़्यादा प्याज को भूनना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है, बस केवल ये 10-12 सेकंड में बहुत अच्छे से भून करके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद इसमें हम जो है और भी सब्जियाँ जो काट करके रखे हुए हैं उसे ऐड कर देंगे। तो ज़्यादा प्याज को भून लेंगे ना तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, पर हमें ऐसा नहीं करना है, बस हल्का सा इसे सॉल्ट करना है। तो यहाँ पर मैं गाजर डाल दे रही हूँ और डाल दूंगी शिमला मिर्च। तो एक गाजर और एक शिमला मिर्च को हम इस तरह से बारीक बारीक काट करके तैयार कर लिए थे। इन सभी को कर लेंगे मिक्स और मिक्स करते हुए अच्छे से भूनेंगे। तो इन्हें मैं ढक करके बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस इस तरह से चलाते हुए हमें ऐसे भून लेना है जिससे कि अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। तो ये जब क्रिस्पी क्रंची सी रहते हैं ना तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसी समय इसमें हम डाल देंगे नमक। तो नमक हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि आगे हमें नमक का यूज नहीं करना है, तो इस वजह से मैं पूरा जितना नमक हमको डालना था सब एक ही बार में इसमें डाल दिए हैं। और इसे मिक्स करते हुए लगभग 1 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनता है, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसे आप कभी भी बना करके रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी नाश्ते की रेसिपी पसंद आएगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए फाइनली ये जो सब्जियाँ थी अच्छे से भून करके तैयार हो गई हैं, ज़्यादा गली भी नहीं है, एकदम क्रंची सी हैं। तो अब हम जो सूजी को देख लेते हैं, तो सूजी में सारी सब्जियों को जो हम ऐड कर देंगे। हमें इन्हें ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इन सब्जियों को जो है सूजी में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक। काला नमक डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। तो यहाँ मैं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर का यूज़ की हूँ, ज़्यादा नहीं। और इसमें और भी मसाले का यूज बिल्कुल भी नहीं करूँगी, बस सिंपल तरीके से इसे बनाऊँगी। और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत अच्छे से ये मिक्स होकर के तैयार हो जाते हैं। तो ये एक फाइनली मिक्स होकर के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ हम लिए हैं केक वाला मोल्ड और इसे कर लेंगे आयल से अच्छे से ग्रीस।
उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम लगा देंगे बटर पेपर। आप चाहें तो लगाएं बटर पेपर, वरना आप बिना बटर पेपर के भी बना सकते हैं। इसमें से बहुत आसानी से जो है नाश्ता निकल आता है, क्योंकि इसको हम पहले भी ग्रीस कर चुके हैं। इसको हल्का सा और ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद जो हमने बैटर बना करके तैयार किया है उसे कर देंगे जो इसमें मिक्स। तो इसमें हम डाल दिए हैं जो है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग पाउडर की जगह पर बेकिंग सोडा या इनो भी डाल सकते हैं। अब इसे हम इसी केक मोल्ड में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे, और इसको ट्रांसफ़र करने के बाद बिल्कुल भी मिक्स वगैरह कुछ नहीं करना है। बस हाथों से हल्का सा जो मोल्ड है उसको टैप करेंगे, बस ये बैटर जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि अंदर इसमें गैसें जो है निकल जाएंगी। तो अब हम फिर आ गए हैं गैस की तरफ। यहाँ पर एक रख दिए हैं भगोना, तो यहाँ बड़ा सा भगोना रख रहे हैं, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 लीटर के करीब पानी। उसके बाद में हम इसमें रख देंगे स्टैंड। स्टैंड रख देने से क्या होता है, बहुत अच्छे से जो है इसमें जो मोल्ड है सेट हो जाता है। तो स्टैंड को रख दिया। अब इसी के ऊपर जो मोल्ड है जिसमें बैटर को रखे हुए हैं उसको रख देंगे बहुत ही आसानी से, सावधानी से, कि ये जो है हिले ना और बराबर जो है रख जाए। रखने के बाद हम इसको ढक देंगे पकने के लिए, और लगभग 8 से 10 मिनट तक इसको स्टीम होने देंगे। 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से स्टीम हो जाते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम चेक कर ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो गया है। तो गैस को कर दिए हैं बंद, और इसे बहुत सावधानी से इस तरह से निकाल लेंगे। तो अभी गर्म है, तो आप इसको जो है पकड़ के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको रख दिए हैं ठंडा होने के लिए, और ठंडा हो गया है। तो इसको इस तरह से प्लेट में जो है निकाल लेंगे। तो आपने देखा ही, बहुत आसानी से ये जो है मोल्ड से निकल आया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो इसमें जो हम बटर पेपर लगाए हुए थे उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। बटर पेपर भी बहुत अच्छे से निकल जाता है, उसमें भी कोई नाश्ता चिपकता नहीं है। तो यहाँ मैंने बटर पेपर को निकाल लिया। फाइनली हमारा नाश्ता आप देख रहे हैं कितना स्पंजी बना है। तो इसको हम थोड़ा सा जो है सेकेंगे। तो सेकने के लिए केवल हम जो पैन है उसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, मतलब कि 1/2 चम्मच तेल से भी कम तेल डाल करके बस हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जो है इसमें डाल देंगे जो है थोड़े से धनिया के पत्ते कटे हुए, और इसमें कोई मसाले का यूज मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको बना रही हूँ, और इसमें इस नाश्ते को हम रख देंगे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके उनको आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं, या छोटे छोटे पीसेस कट करके उनके ऊपर आप तड़का लगा सकते हैं। पर मैं बहुत ही इजी तरीके से बना रही हूँ, जिससे कि बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाए। और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे, और जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाएगा तो हम इस नाश्ते को जो पलट देंगे, ताकि ये दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सिक जाए। सिकने पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगते हैं खाने में, और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। इस नाश्ते को आप चाय के साथ, चटनी के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी खाएं ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपका रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं है, कुछ आप हल्का फुल्का खाना चाहते हैं, तो आप इस नाश्ते को बना करके जो है खा सकते हैं, और सभी को खिला भी सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनता है। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता एक तरफ से क्रंची हो ही गया है, दूसरी साइड से भी इस तरह से हम क्रंची कर लेंगे, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, बहुत झटपट ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया फाइनली। तो अब हम कर दिए हैं गैस को बंद, और इसको हम कर लेंगे पीसेज में कट। ठंडी बहुत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है आज, क्योंकि आज जो है हवा बहुत तेज चल रही है, कोहरा भी है, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। लेकिन हम जो है नाश्ते को बना रहे हैं क्योंकि सभी को देना है। तो इस तरह से मैं इस काट करके तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसके 8 पीसेस तैयार की हूँ। आप चाहें तो इनको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से रेक्टेंगल शेप में जो है कट करके तैयार की हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी नाश्ते की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और इस नाश्ते को आप भी ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए, इतना ज़्यादा पसंद आएगा सबको कि आप हफ्ते में 1-2 दिन तो इस नाश्ते को बनाए ही। तो हम मिलेंगे आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ, और हम चल रहे हैं नाश्ते को सर्व करने के लिए। तो बाय।